अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ अपना पोशन। तो आप देखें यहाँ पर काम चल रहा है, तो आप सोच रहे होंगे कि काम ही चल क्यों रहा है यार, या फिर ये रूम बंद क्यों रहे हैं, कोई वजह तो होगी ना। तो मैं आपको बताता हूँ, तो इंशाल्लाह आपके भाई की शादी है 11 महीने में, अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो खैर खैरियत से हो जाएगी, अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो। क्योंकि इस रिश्ते से काफ़ी लोग खुश नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, पता नहीं क्यों, अल्लाह बेहतर जानता है क्यों खुश नहीं है। पर उम्मीद है इंशाल्लाह कोई मसले पैदा नहीं होंगे, फिर भी अल्लाह पाक की मर्ज़ी जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये आपको दिखाता हूँ, ये रूम तैयार हो रहा है मेरा, ये देखें, ये आप, ये पूरा रूम तैयार हो चुका है, देखें सही है। देखिए रूम तो अभी पेंडिंग में, और यहाँ पर ये यहाँ पर किचन बनेगा, तो अभी काम मुकम्मल हुआ नहीं है क्योंकि शादी 11 महीने में, तो अभी बिल्कुल हम लोग आराम आराम से काम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जल्दी तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये एक रूम तो तैयार हो चुका है माशाल्लाह, ये तो काफ़ी पुराना रूम है देखो। तो आप तो सोच रहे होंगे क्या रूम इतना उजड़ा हुआ रूम क्यों है, तो भाई ये लड़कों का रूम ऐसा ही होता है, तो हम लोग सफाई वफाई तो करते नहीं है, आपको पता है हर आराम होता है, हमें गंदगी में रहने की आदत है, ठीक है। देखिए आप किस तरीके से रूम गंदा हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई सफाई नहीं है। तो अभी देखें आप ये, और ये अभी एक पोर्शन, बस ये पोर्शन रहता, बाकी नीचे के पोर्शन तैयार हो चुके हैं सारे, तो ये पोर्शन मेरा ही वाला है। तो बस आप दुआ कीजिए कि मेरी शादी में कोई रुकावट ना आए, और जो लोग ना खुश हैं मेरी शादी से वो खुश हो जाएं, ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इंशाल्लाह उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तो अल्लाह हाफिज़।